लो जी खुल गया। अच्छा बेचारी चलती रहती चलती। तो क्या हाल चला है सब सभी का दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ ढोलेवाल जो कि अपने लुधियाने में, और यहाँ पे पट्टे कमाने का काम कराने, जो कि आप लोग कमेंट कितनी बारी किए हो कि भाई एक मिनट गाड़ी में बैठ जाए। आप लोगों ने कितनी बारी कमेंट किया हुआ है कि भाई पट्टा कम करा दो, क्या पता पट्टे की वजह से नाच ऐसी टूट गई हो। तो मैं इस बारी अब रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यार मैंने देख लिया कि भाई पट्टा चेंज कराने में, सॉरी चैसी चेंज कराने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ गया मुझे, तो इस कारण अब कोई रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए मैं पट्टा चेंज कम कराने आया हूँ। पट्टा मैंने तीन तीन डाला था, तो अब दो दो करूँगा, प्लस उसकी जो ऊपर ऊंचाई थी उसको नीचे करवाऊँगा, और दूसरी चीज़ जो अपना सस्पेंसन है ना उसको डालूंगा। सो ये सब काम करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ढोलेवाल। देख सकते हो ये गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, और ये पीछे मेरी गाड़ी लगी हुई है। सो अब देखते हैं कि अपना क्या, वैसे तो मैंने इनको बता दिया भाई ये प्रॉब्लम थी, अपना चैसी टूट गई, और मुझे जहाँ तक लगता है पीछे से झटके की वजह से या किस वजह से टूटी है ये नहीं पता, बट अब देखते हैं क्या होता है। लगे हैं और साथ में देखते हैं कितना खर्चा पड़ता है अपना, तो बताता हूँ आप लोगों को। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। लो जी खुल गया। अच्छा बेचारी चलती रहती मेरी गाड़ी खड़ी, और यहाँ पे देख सकते हो ये सारी मार्केट है, ये देखो पट्टे कमानी का मार्केट है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह ही रिपेयर करते हैं। देखो सामने भी गाड़ी खड़ी हुई है, सब जगह ही गाड़ी रिपेयर होता है यहाँ पर, और काफ़ी हाई फाई मार्केट है भाई। जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो करवाना है मतलब ढोलेवाल में आप आके करवा सकते हो। देख सकते हो ये सब कार की एजेंसी, मतलब कि वो है रिपेयरिंग के, जो यहाँ पर देखो अलग अलग चीज़ें हैं, पट्टे कमानी अलग अलग काम है, मैकेनिक के जो भी मर्जी वो, और रेडिएटर का काम है जो कि साफ़ कराना होता है उसका, क्रेन वगैरह सब मिल जाता है। सो मैं आप लोग को चलता हूँ वो दुकान दिखाता हूँ जहाँ पर क्या कहते हैं अपना पट्टे वाला दुकान दिखाता हूँ जहाँ सामान लेना है। और मेरे गियर बॉक्स का ना बुश, मतलब कि गियर बहुत ज़्यादा हिल रहा है, सो गियर का भी बुश लेना है जो प्लास्टिक का होता है। सो अभी मैं जाके लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बने रहेगा इस वीडियो में। देखो तो पूरा ये मार्केट है, जो लोग भाई अपने लुधियाना के आसपास के हैं, सो मैं उन लोग को ये खासकर बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग ज़रूर यहाँ पे आके विज़िट करें और यहाँ से अपना काम करवाएं, सस्ते में होता है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, पट्टे कमाने वालों को उनको खुद मत भेजिए सामान लेने, खुद अकेले जाइए, उनसे पूछ लीजिए क्या क्या लेके आना है, बस पूछ के चले जाइए, क्योंकि जो उनका नाम बताओगे तो वो लोग पैसा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि कमीशन होती है उन लोग के बीच में। तो याद रखिए आप लोग ये बातों को, जो बातें आपका भाई बताता है, क्योंकि आपके भाई के साथ बीती हुई है। देख सो फाइनली गाड़ी ही गाड़ी है भाई, एक मिनट वेट करो फिर पहुंच जाता हूं मैं दुकान में, सब यहां से लेंगे अपन। तो गाइस ये दो सेंटर बोल्ट लिए जो कि पटों के बीच में लगता है, सो ये मेरे को मिले हैं 30 रुपये के एक पीस, 30 रुपये के एक पीस, और सारी ये मार्केट है बिल्कुल। और वो जो मेरा गेयर बॉक्स का वो हिलता है वो शायद मिला नहीं, तो कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से, चलते हैं वहाँ पर। ये जो जब भी आप पट्टे लगवाओगे ना, तो ये सेंटर बोल्ट डालना ही पड़ता है, क्योंकि ये लोग तोड़ देते हैं, तो जिस कारण हमें दोबारा लेना पड़ता है। सो अभी अभी भाई को कोई काम पड़ गया इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया इसने, एक पट्टा तैयार हो गया। लोग पट्टों की हाइट बढ़वाते हैं, मैंने कम करवाया है, क्योंकि ज़्यादा स्प्रिंग मतलब कि ज़्यादा गाड़ी जो लोगों ना हमारे वहन झटके, इसलिए। सो लगे बने रहो वीडियो में गाइस, देखते हैं यहाँ पे कितना खर्चा पड़ता है, क्योंकि लग गया पट्टा, देखते हैं ये कितना खर्चा मांगता है उस्ताद। बाकी 60 रुपये का काबला आया है, फिटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं उस साइड की कर रहे हैं। करने के बाद आप लोग को बताता हूँ क्या असल में रियलिटी क्या है, क्यों करा रहे हैं। तो फाइनली गाइस हो गया काम, यहाँ पर से करवाया था, और आप लोगों को बताता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। सो दोस्तों इसके अंदर ना जो ये वार्सल सेट पड़ता है, मैंने वार्सल सेट भी डलवाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिलता था, देखते हैं अब हिलता है कि नहीं।
वार्सल सेट यहाँ पे मेरे को मिला है 260 रुपए का, बट मुझे लगता है जिससे मैंने लिया सेठी वाले के पास से उसका रेट थोड़ा हाई लगता है, तो आप सेठी वाले दुकान पास मत लेना, दिल्ली वाला है वहाँ पर से लेना आप। और मकैनिक ने लिया मेरे 800 रुपए और दो पटे इन्होंने निकाल दिए, देख सकते हो पटे, आप लोग को दिखाता हूँ मैं, ये देखिए सामने पटे पड़े हैं, दो निकाल दिए गए। मैं आप लोग का भाई देखो बात नहीं मोड़ता हूँ, रीज़न क्या है, आप लोग मेरी फैमिली हो, जो भी आप लोग समझाते हो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझता हूँ, कि जो भी मेरे दोस्त यार जो भी आप लोग जो समझाते हो क्या पटे ज़्यादा हो सकते हैं उसके वजह से, कितने भाइयों ने ये भी कमेंट किया था कि भाई पटे ज़्यादा हैं आप पटे उतने ज़्यादा मत डालो वजन मत डालो, सो क्योंकि जब मेरी चैसी क्रैक हुई थी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था इस बारे में, तो सो वो हो गया। और इसका जो 260 रुपये का अपना बुश आया था और उसके बाद 100 रुपये का इन्होंने लेवर लिया है, सो 350 रुपये यहाँ लग गया और 800 रुपये का वो, तो टोटली 1100 रुपये अपना यहाँ पे खर्चा हो चुका है भाई, कमाई धमाई तो है नहीं, खर्चे बहुत हो रहे हैं। सो अब चलते हैं घर पे, क्योंकि आपका भाई बिल्कुल ही गंदा हो चुका है, देख लीजिए अपने भाई को गंदा हो चुका है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। सो ये वीडियो भाई यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद। और भाई लोग आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दिया करो वीडियो के अंदर, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे भाई लोग मुझे क्या समझाना चाहते हैं क्या नहीं, तो अपना नॉलेज मिलता रहता है।